आज की चाय मेरी तरफ से। वो मैंने आज काफी दिनों के बाद बनाई है टी सबके लिए। टॉक होने में 5 मिनट्स बाकी हैं और हम लोग अपनी चाय की ओर आ गए हैं, जो कि आज मैंने बनाई है। अच्छी बनी होगी, ये तो मैं गारंटी दे दी हूँ। तो ये मैंने टी जो है 15 मिनट्स से ज़्यादा लिया है इसको बनाने में। यहाँ पर मम्मी ने बनाया आलू का कचालू। अरे कहाँ गया आलू का कचालू। और मैंने अभी आपसे बताया था कि मम्मी कुछ किचन में कर रही हैं, तो वो इसीलिए नहीं आ रही थी। अच्छी बात है। मेरा मन भी कर रहा था कुछ खाने चाय का। बहुत अच्छी बनी है पर ठंडी हो गई। ठीक हाँ तभी तो मैं आपसे बुला रही थी, आप बाद में बना लेती, मैं चाय एंजॉय करती पहले आप। तंजी, आज जो चाय ठंडी हो जाएगी। अरे मेरी भी खुद चाय ठंडी हो रही है। चलिए आपसे बाद में मिलते हैं, बाय बाय। वैसे चाय जो है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी बन गई है। अपनी तारीफ खुद ही कर रही है ठंडी चाय पिलाकर। बहुत अच्छी बनी, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी है चाय, है ना पी? ठीक है, कल से खाना तुम बनाओगे। ठीक नहीं ये काम नहीं होता, ये एक्सपेक्टेशन से बेकार बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं इतना सारा ग्वावा लेके क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही जबरदस्त आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है जैम की या जेली, जो भी आप कह लीजिए। तो ये अमरूद की हम बनाने जा रहे हैं जेली। और ये रेसिपी जो है ये मेरी मदर की रेसिपी है, यानी मेरी माँ की है। वो इसे बनाया करती थी और मैं इसको भूल गई थी बनाना, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। ये हमारे पास देखिए ये अमरूद है। ये अमरूद जो है ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे अमरूद आके हमारे पास रखे हुए थे तो ये पक गए थे। तो इस तरह से इसे रफली चॉप कर दीजिए और इसे प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। पानी इसे में इतना ऐड करना है कि आपके जो अमरूद हैं उसमें डूब जाए, और बस इसे टेंडर कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा अमरूद जो है वो बिल्कुल टेंडर हो गया है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इतना डालिएगा कि ये इसमें अच्छे से सोख हो जाए, डिप हो जाए। और मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा और ये टेंडर हो जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है जो अमरूद बच जाते हैं उससे इसे आप बना लीजिए, और अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश से बना लीजिए। और उसके बाद फिर इसे इस तरह से एक मसलिन क्लॉथ पे, यानी मलमल के कपड़े में डाल के इसे छान लेना है। और ये देखिए प्रेशर कुकर कितना साफ हो गया है, क्योंकि विटामिन सी होता है अमरूद में। तो ये जो है हमारा जो एल्युमिनियम है इसे बिल्कुल साफ कर देता है। और ये देखिए इस तरह से इसके पानी को स्ट्रेन कर लेना है। सिर्फ हमें इसका पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से इसे आप लटका दीजिए, एक दो हैंग कर दीजिए किसी चीज़ पे, 1-2 घंटे में इसका सारा पानी जो है वो स्ट्रेन हो जाएगा। जब तक ये स्ट्रेन हो रहा था हमारा प्रोग्राम बन गया डिनर का। तो ये हम लोग बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए, क्योंकि ये काम करते हुए काफ़ी देर हो गया था और दिल नहीं चाह रहा था कि अब कुछ बनाया जाए। बस जो कुछ बनाने लगो तो उसी में दिमाग लगा रहता है कि वो काम फिनिश हो जाए, वो रेसिपी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हम पहुँच गए, हस्बैंड आ गए थे और वो हमें लेकर के बाहर आ गए। और हम यहाँ पर देखिए इंजॉय कर रहे हैं चिकन बोटी कबाब, और साथ में क्रिस्पी से पराठे हैं। बड़ी ज़बरदस्त थी ये डिश थी, बड़ा मज़ा आया खा करके। और इंशाल्लाह हमने तो सोच लिया है कि इसे बहुत जल्दी बनाएंगे, घर पे ट्राई करेंगे और आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो आज हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ करके ही इसे इंजॉय कर रहे थे, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, हस्बैंड तो बाहर ही थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से पहुँच गए संगम। संगम क्या पहुँचे थे, ये हम लोग शास्त्री ब्रिज पे आ गए थे। और ये 13th की नाइट का है वीडियो क्लिप, और कल 14th थी है, मतलब हम कर रहे हैं जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तब तक ये 14th बीत चुकेगी। तो ये अगले दिन मकर संक्रांति का हमारे यहाँ स्नान था, नहान था। तो ये देखिए हमारी ऊपर से संगम नगरी देखिए, ये माघ मेला का एरिया देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइटनिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और ये पूरा अच्छे से रेडी हो गया है, नीचे सारा टेंट लग चुके हैं और सारे जितने हैं श्रद्धालु पिलग्रिम सब आ चुके हैं, और यहाँ पर नहान की पूरी प्रॉपर तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए हमने बच्चों ने रूफ टॉप को ऊपर खोल लिया है गाड़ी का, और वहाँ से ये इसे शूट कर रहे थे। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन आपके साथ शेयर करना था
रात में इसका व्यू आपको दिखाना था, नीचे पानी है तो इसका व्यू आप भी देख लीजिए। और वहाँ से हम लोग घूमते हुए वापस घर को आए और 10 बज चुका था तब तक। बीच में देखिए कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे जो कल के नहान के लिए बाहर से आ रहे हैं। बहुत ही ठंड है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फॉग नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये जो पूरा जो हमने अमरूद को इस तरह से हैंग करके रखा था उसका पानी निकल गया है। और ये देखिए इसका पल्प बचा है, इसे हटा देना है, डिस्कार्ड कर देना है, सिर्फ इसका पानी जो है उसे यूज़ करना है। तो अब इसको हम क्या है, पहले इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने जब इसको मेजर किया तो ये बड़ा मग हमारे पास था, ये चाय का बड़ा जो कप होता है कॉफ़ी का, तो ये 4 कप भर के था और थोड़ा सा और था। तो ये इसलिए हम इसे मेजर करते हैं क्योंकि चीनी इस हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 4 हैं तो हम इसमें 2 कप चीनी ऐड कर देंगे, यानी आधी से आधी डाल देंगे, थोड़ा सा और आप प्लस कर दीजिए। तो बस इसका ये मेजरमेंट यही होता है। तो ये देखिए ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, अभी हमने 2 कप भर के डाला है और थोड़ी सी बाद में हमने और डाली थी। तो आप इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जली या जैम रेडी होगी। इसमें एक बड़ा नींबू जाएगा, मेरे पास बड़ा था तो हमने 1 डाला है, आपके पास छोटा हो तो 2 डाल दीजिए। और इसे तेज़ से मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दीजिए, बीच बीच में इसको चलाते रहिए ताकि ये गिरे नहीं बहे नहीं। हैवी बॉटम बर्तन जो भी आप लीजिएगा या नॉन स्टिक लीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से इसमें साइड में जो ये इम्प्योरिटीज़ आती हैं इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने नींबू ऐड किया है तो नींबू से जो चीनी की सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी होती हैं, वो साइड में आ जाएंगी, इसे आप निकाल दीजिए। तो हम आपको बता रहे थे कि ये रेसिपी या ये जैम जो है, जेली जो है, ये हमारी मम्मी बनाती थी। और सच बताएं उनके जाने के बाद यानी उसके बाद से हम भूल गए इसको कि हमें भी बनाना है। अब देखिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे प्लेट पे डाल करके देख लीजिए। जब ये इस तरह से आप देखिएगा, ये इस तरह से प्लेट पे जब आप डालेंगे और इसको इधर उधर पलटेंगे तो ये गिरेगी नहीं, इसका मतलब ये रेडी हो गई है। तो ये देखिए हमारी जैम जो है, जेली जो है, ये बिल्कुल रेडी है। इसे पकने में 1 घंटे के करीब लग गया था। तो ये देखिए इसे चेक करिए, ये देखिए इसकी ड्रॉप किस तरह से गिर रही है। तो ये बिल्कुल रेडी है, प्लेट पे इसको चेक कर लीजिएगा। ये काम करते हुए हमें 12 बज गए थे और बस दिमाग लगा हुआ था कि बस इसको कंप्लीट करके ही आज सोना है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी ये जैम रेडी हो गई है, जेली रेडी हो गई है, और अब ये ठंडी भी हो गई है और इसे हमने बॉटल में फिल कर दिया है। तो कितना बढ़िया इसका कलर आया। अच्छा हाँ, अमरूद जितने पके होंगे उतना अच्छा इसका कलर आएगा। तो जो ख़राब अमरूद थे उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, अच्छे अच्छे अमरूद इसमें डाल दिए थे। और बच्चों को रात भर नींद नहीं आई थी कि वो उसको कैसे जल्दी से सुबह हो और वो इसे ट्राई करें। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर उसके बाद आपको बाज़ार से जैम या जेली लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम आपको बता रहे हैं इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि बाहर बाज़ार मार्केट वाले टेस्ट से भी अच्छा होता है। तो अब आपके पास जब भी अमरूद आए, गुआवा आए, तो आप उससे इसे ट्राई करिए और बताइए कि कैसी बनती है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं इसे बनाना भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था कि ये हमारी मम्मी बनाया करती थी। और बस एकदम से स्ट्राइक कर गया कि मुझे बनाना है, और फिर मुझे याद नहीं आ रहा था कैसे बनती थी क्या, फिर धीरे धीरे करके सारी बातें याद आ गई और फिर आज मैंने इस रेसिपी को बनाया और आपके लिए शूट किया ताकि आपको ये रेसिपी हम दे सकें। तो आप इसे ट्राई करिए और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।